हमारे पास है। फॉर्मली म्यूनिसिपल साहब ने सिंपल फॉर्मेट से इनॉग्रेट किया हुआ आज, आज फंक्शन हो जाए और साथ ही साथ जो अदर फैसिलिटीज है जैसे हमारे पास JVC में भी एडिशनल डिफरेंट फैसिलिटी है, यहाँ पेशेंट्स को IPD केयर मिलता है और यहाँ पर भी शुरू हो जाएगा IPD केयर उनका। और साथ ही साथ SMHS में जो एडिशन का जो हमारा सेंटर है वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो चल रहा है और कई सालों से वो अच्छे से काम कर रहा है। अगर हम थोड़ा स्टैटिस्टिक्स को ध्यान दें तो इस साल जो 2023 की बात करें 380 पेशेंट्स जो हैं वो नए एडमिट हुए थे वहाँ पर, तो साथ ही साथ 1500 पेशेंट्स वो फॉलोअप के लिए आए थे। और अगर हम ओवरऑल देखेंगे कि रफली इन सारे सेंटर्स में रफली अराउंड 50,000 से ज़्यादा फॉलोअप्स हुए जहाँ पर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उनको फॉलोअप किया जाता है। श्रीनगर और बाकी एरियाज भी हमारे कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर ड्रग्स का मिनिशन हो पा रहा है, गवर्नमेंट इज कमिटेड टू काउंटर इट बोथ रिहैबिलिटेशन पर्पस जैसे ये एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का ड्रग एडिक्शन सेंटर्स है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ड्रग पेडलर्स हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन की जाए और वी हैव डन है, उसमें प्रोग्रेस हुई है और आई एम होपफुल दैट इन कमिंग टाइम्स ड्रग मिलेज का जो वबा है वो कम हो जाएगी श्रीनगर में। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा आप सब लोगों को ड्रग डेटिंग सेंटर और रिहैबिलिटेशन सेंटर जो सोशल वेलफेयर के तहत हमें उसका प्रपोजल गया हुआ है एंड आई एम होपफुल कि वो भी हमें मिलेगा ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अपने नौजवानों को बचा पाएंगे और उनको रिहैबिलिटेट कर पाएंगे। ट्रेंड जो एडिक्शन के वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, लाखों की तादाद में है जो ड्रग एडिक्टर्स है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी स्टार्ट किया था जिसमें उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे इसमें जिनमें दिक्कत हो रही है हम लोग उनको स्किल इम्पावरमेंट कर रहे हैं। अगर आप पिछले साल की बात करें तो 10 बच्चों का स्किल इम्पावरमेंट हुआ है इसमें, बट वी आर हम इसको एक नए स्केल पर ले जाएंगे इंशाल्लाह आगे। एंड वी आर कमिटेड जैसे मैंने कहा कि बोथ एंड्स चाहे वो डेटरेंस पे हो या चाहे रिहैबिलिटेशन पे, वी आर कमिटेड टू द कॉज एंड हम लोग इस पर एक्शन करेंगे।